गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन वेलकम टू माई YouTube चैनल बच्चों आज हम सॉल्व करेंगे 3.3 पॉइंट थ्री एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर थ्री का थर्ड पार्ट ओके और इसमें क्या बोला है बच्चों इसमें बोला है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज सेवन बैट्स एंड सिक्स बॉल्स फॉर रुपीज थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड एंड लेटर शी बाइज थ्री बैट्स एंड फाइव बॉल्स फॉर रुपीज वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल तो हमारे पास क्या क्या दिया है क्रिकेट कोच टीम जो कोच है क्रिकेट टीम की वो बैट्स खरीदती है और बॉल्स खरीदती है तो सेवन बैट्स और सिक्स बॉल्स को खरीदती है थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड में और थ्री बैट्स और फाइव बॉल्स को वन थाउजेंड सेवन फिफ्टी में हमें फाइंड आउट करनी है एक एक की कॉस्ट एक बैट की एक बॉल की तो इसके लिए सबसे पहले हमें लेट करना पड़ेगा बच्चों सो हम लेट कर लेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट वन बैट लिख सकते हो इसमें ईच बैट भी लिख सकते हो बी रुपीज एक्स ओके okay. एंड लेट द वैसे ही जो है बॉल की कॉस्ट भी लेट करनी पड़ेगी बच्चों लेट द कॉस्ट ऑफ वन बॉल बी रुपीज वाई क्योंकि हमारे पास जब एक एक की कॉस्ट होगी तभी हम जितनी हमारे पास मैनी थिंग्स दी है उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं सो so, अब क्वेश्चन में क्या बोला है कॉस्ट ऑफ सेवन बैट्स एंड कितनी बॉल्स हैं क्वल्स टू रुपीज थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड तो दैट मीन्स अब हमारे पास इक्वेजन किस तरह से बनेगी सेवन बैट्स तो एक बैट की कॉस्ट अगर एक्स रुपीज है तो सेवन बैट्स की कितनी हो जाएगी बच्चों वो हो जाएगी सेवन एक्स और प्लस क्योंकि ये जो कॉस्ट ये टोटल कॉस्ट है ये और वन बॉल वन बॉल की वाई रुपीज है सिक्स बॉल्स की हो जाएगी सिक्स वाई इक्वल्स टू रुपीज थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड ये आगे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन में बोला है क्या है आगे कॉस्ट ऑफ कितने बैट्स हैं अब थ्री बैट्स कॉस्ट ऑफ थ्री बैट्स एंड और क्या है कॉस्ट ऑफ थ्री बैट्स एंड फाइव बॉल्स इक्वल्स टू रुपीज़ वन सेवन फाइव जीरो वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी रुपीज़ तो इसका भी वैसे ही बनेगा एक बॉल एक बैट की कॉस्ट एक्स है तो थ्री की थ्री एक्स हो जाएगी प्लस एक बॉल की वाई है तो फाइव की फाइव वाई इक्वल्स टू वन सेवन फाइव ज़ीरो आगे बच्चों सेकेंड डिक्विजन अब हम इसको सब्सिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो इसलिए पहले फर्स्ट इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की एक अल्फाबेट की वैल्यू बनाएंगे सो so, हम लिख लेंगे अब फ्रॉम इक्वेशन वन इक्वेशन वन है हमारे पास सेवन एक्स प्लस सिक्स वाई इक्वल्स टू थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड ओके सो अब हमारे पास हम x की वैल्यू बना लेंगे सो सेवन एक्स इक्वल्स टू थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड और प्लस का सिक्स वाई राइट में माइनस का हो जाएगा और x इक्वल्स टू थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड माइनस सिक्स वाई और x के साथ जो नंबर है जो कोफ़िशेंट है इसका वो राइट right साइड में अपॉन में आ जाएगा मतलब डिनोमिनेटर हो जाएगा डिवाइड कर देगा राइट right साइड वाली वैल्यू को ये गई हमारे पास थर्ड इक्वेशन, ओके अब इस थर्ड इक्वेजन में अब क्या है बच्चों जो हमारे पास थर्ड इक्वेजन में हमारे पास एक्स की वैल्यू बनी उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे सेकेंड में तो हम लिखेंगे ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेजन टू ओके तो इक्वेजन टू क्या है हमारे पास थ्री एक्स प्लस फाइव वाई इक्वल्स टू वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी ओके अब इसमें हम एक्स की वैल्यू भरेंगे बच्चों सो थ्री मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड माइनस सिक्स वाई अपॉन सेवन ओके और आगे क्या दिया है प्लस फाइव वाई इक्वल्स टू वन सेवन फाइव ज़ीरो ओके अब हम क्या करेंगे थ्री से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी से हर नंबर को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं क्या क्या आता है सो थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड को पहले थ्री से ज़ीरो ज़ीरो ट्वेंटी फोर थ्री थ्री नाइन और टू इलेवन या आ गया वन वन फोर ज़ीरो ज़ीरो माइनस सिक्स थ्री ज़ा एटीन वाई अपॉन सेवन प्लस फाइव वाई इक्वल्स टू वन सेवन फाइव ज़ीरो अब बच्चों हमें एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा डायरेक्ट नहीं कर सकते इसलिए जहाँ कोई डिनोमिनेटर नहीं है वहाँ वन लगाएंगे और हमारे पास वन और सेवन का एलसीएम आ गया सेवन सेवन से जब सेवन को डिवाइड करेंगे तो वन आएगा और वन से न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो हमारे पास आ जाएगी वही वैल्यू वन वन फोर ज़ीरो ज़ीरो माइनस एटीन वाई और प्लस वन से सेवन को डिवाइड करेंगे तो सेवन आएगा सेवन से फाइव को मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्टी फाइव आएगा सेवन फाइव सा थर्टी फाइव ओके अब हमारे पास क्या क्या वैल्यू है वन वन फोर जीरो जीरो अब देखो बच्चों हमारे पास थर्टी फाइव प्लस का बड़ा आ गया और माइनस का एटीन छोटा है तो थर्टी फाइव में से एटीन माइनस हो जाएगा हमारे पास रह जाएगा प्लस सेवनटीन वाई अपॉन सेवन इक्वल्स टू वन सेवन फाइव ज़ीरो ओके अब कर लेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई और ध्यान देना पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई so, करके जो आंसर आएगा फिर उसमें से राइट right साइड वाली लेफ्ट वाली जो वैल्यू है वो राइट right में जाकर माइनस होगी प्लस माइनस जो भी होगी ओके सो प्लस सेवनटीन वाई और अब वन सेवन फाइव जीरो इंटू सेवन इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है हमारे पास वन सेवन फाइव जीरो मल्टीप्लाई बाय सेवन जीरो सेवन फाइव ज थर्टी फाइव थ्री सेवन सेवन ज फोर्टी नाइन और थ्री फिफ्टी टू फाइव सेवन वन जो सेवन और प्लस फाइव ट्वेल्व ओके तो बच्चों हमारे पास आ गया फोर ज़ीरो जीरो प्लस सेवनटीन वाई इक्वल्स टू यहाँ आ गया वन टू टू फाइव जीरो अब इस वाली वैल्यू को उधर ले जाएंगे सेवनटीन वाई इक्वल्स टू वन टू टू फाइव जीरो और ये प्लस का है वहाँ हो जाएगा माइनस ओके सेवेंटीन वाई इक्वल्स टू अब इनको माइनस करेंगे क्या आएगा माइनस करके वन वन फोर ज़ीरो ज़ीरो फाइव ट्वेल्व में से फोर एट और यहाँ ज़ीरो ज़ीरो मतलब हमारे पास बच गया बच्चों एट हंड्रेड फिफ्टी ओके okay, अब हम निकालेंगे वाई की वैल्यू सो so, वाई हमारे पास हो जाएगा एट हंड्रेड फिफ्टी अपॉन सेवनटीन हमारे पास आ गया था सेवनटीन वाई इक्वल्स टू एट हंड्रेड फिफ्टी ओके तो वाई की वैल्यू निकाल दी और सेवनटीन आ जाएगा अपॉन में सेवनटीन वन सा सेवनटीन फाइव सा और जीरो पर तो बच्चों वाई आ गया फिफ्टी मतलब एक बॉल की कॉस्ट हमारे पास फिफ्टी रुपीज है देन ऑन पुटिंग वाई इन इक्वेजन कौन सी बच्चों थर्ड जिसे हमने एक्स की वैल्यू बनाई है ओके okay, तो यहाँ भर देंगे तो हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड माइनस सिक्स इन टू अब वाई की वैल्यू आई है फिफ्टी तो भर दो यहाँ फिफ्टी और अप में सेवन सो एक्स इक्वल्स टू थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड माइनस सिक्स फाइव सा थर्टी ये आ गया थ्री हंड्रेड अपॉन सेवन एक्स इक्वल्स टू थर्टी फाइव थर्टी एट हंड्रेड में से थ्री हंड्रेड माइनस हो जाएगा थर्टी फाइव हंड्रेड मतलब थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ गया फाइव हंड्रेड सो दैट मीन्स एक्स की वैल्यू आ गई बच्चों फाइव हंड्रेड so, सो हम लिख सकते हैं अब therefore the cost of each each लिख लो each bat एक bat की cost होगी rupees 500 हंड्रेड और the cost of each ball और एक ball की cost होगी rupees 50 okay so यही था बच्चों हमारा question और यही हमें सॉल्व करना था सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया है समझ आ गया बच्चों तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना वीडियो को लाइक करना शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना थैंक यू सो मच